रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कॉमन एरर के पार्ट 15 में कुछ महत्वपूर्ण जो मिस्टेक्स दिए जाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, टू आवर सरप्राइज वी नोटिस्ड दैट एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वेयर इन हिज प्लेस। आप देखें इसमें एक नियम है कि एवरी प्लस नाउन जो आता है वो सिंगुलर होता है, अब हर भी सिंगुलर होता है। जैसे एवरी बॉय इज लर्निंग इंग्लिश, अगर वही एवरी प्लस नाउन एंड से जुट करके दो बार भी आया हो तो अपर भी वर्ब सिंगुलर ही होगा। तो इसका मतलब कि एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर यहाँ पर वेयर नहीं होना चाहिए बल्कि वाज होना चाहिए। अकेले भी आवे एवरी प्लस नाउन या एंड से जुड़ करके दो बार भी आए तो अपर भी वर्ब हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो रूल है एवरी प्लस नाउन सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर। ठीक है, ऑल द लीडिंग होटल्स ऑफ दिस सिटी सर्व्स गुड इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल फूड। अब इसमें देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, ऑल द लीडिंग होटल्स ऑफ दिस सिटी, मतलब आपका सब्जेक्ट है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो वर्ब किसके अनुसार होना चाहिए? जो ऑफ के पहले वाला जो सब्जेक्ट आएगा उस नाउन आएगा उसके अनुसार। तो ऑल द लीडिंग होटल्स, होटल्स प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, इसलिए यहां सर्व्स न हो करके सर्व होगा। नियम याद रखेंगे कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन यदि वाक्य का सब्जेक्ट हो तो वर्ब ऑफ के पहले वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। अब जैसे कहेंगे द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, तो इज की यार, तो द स्टूडेंट्स पहला सब्जेक्ट है आपका, ऑफ के पहले आया है तो उस द स्टूडेंट्स के अनुसार ही वर्ब आएगा, आर आएगा, बिहार के अनुसार नहीं होगा। अगला है, दीज स्टोरीज आर सो एक्साइटिंग दैट Anybody who read them can never forget them. The stories है तो आर ठीक है, so exciting that anybody who read, देखिए आपका relative pronoun है who, किसके लिए आया है? Anybody के लिए। तो आप जानते हैं कि anybody, everybody, somebody, nobody, एनी वन, सम वन, नो वन, नन के अनुसार वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ रीड न होकर के क्या लिखेंगे? रीड्स लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू बिहेव विथ अदर इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। देखिए यहां पर इज आपका मेन वर्ब है और यह जो वाक्य आया है यह सब्जेक्ट के रूप में आया है वाक्य में, तो जब सब्जेक्ट के रूप में आया है तो आप पढ़े होंगे नाउन क्लॉज में व्हाट डज ही से इज राइट, ऐसा नहीं होता है, डब्ल्यू एच के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। वह जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा डब्ल्यू एच वाला वाक्य तो कैसे आएगा? डब्ल्यू एच प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब तो क्या हो जाएगा, हाउ यू बिहेव। यहां पर क्या लिखेंगे, हाउ यू बिहेव विथ अदर्स इज, क्योंकि यह जो है इस क्लॉज का यह वर्ब बन के आया है, तो जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन करके डब्ल्यू एच वाले वाक आते हैं तो उस वाक का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, डब्ल्यू एच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऐसा होना चाहिए। तो व्हाट डज ही से नहीं होना चाहिए, व्हाट ही सेज इज राइट, ऐसा होना चाहिए। द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, अब देखिए नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो वर्ब किसके अनुसार बताएं, पहले वाले के अनुसार। तो पहला वाला क्या है, द ऑथर्स प्लूरल है, तो द ऑथर्स है तो यहां पर अपीयर्स नहीं होगा, सिर्फ अपीयर लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। तो अपीयर यहां पर अपीयर सही होगा, एस इसमें से हटावेंगे तब यह वर्ब प्लूरल होगा। यहां पर अपीयर्स के जगह पर क्या लिखेंगे, अपीयर लिखेंगे। तो क्या हुआ, द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर टू हैव फुली रियलाइज्ड द फैक्ट दैट व्हेन वन टॉक्स ऑफ एजुकेशन ही डील्स विथ ह्यूमन बींग्स। अगला क्वेश्चन है, देयर इज नो डाउट दैट मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स इज इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग द वेजेज। देयर इज नो डाउट, इस वाक्य में नो डाउट, डाउट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आया, दैट मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स, अब याद रखिए मेजॉरिटी जो है यह प्लूरल रूप में प्रयुक्त होता है। मेजॉरिटी एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स, तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो पहले वाले के अनुसार होगा, मेजॉरिटी के अनुसार, तो मेजॉरिटी के अनुसार इज नहीं होगा बल्कि आर होगा। मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स आर, क्योंकि मेजॉरिटी जो है उसका अर्थ प्लूरल होता है। यू एंड आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग टुमारो। देखिए नियम है, जब दो नाउन्स या प्रोनाउंस, दो नाउन्स या प्रोनाउंस एंड से जुड़े हुए हो तो वर्ब प्लूरल होगा। तो वर्ब प्लूरल होगा तो यू एंड आई के अनुसार क्या होगा, एम नहीं होगा बल्कि आर होगा। यहां पर एम नहीं होगा बल्कि आर होगा, इसे राम एंड श्याम आर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, इफ वन ऑफ द कैंडिडेट्स चूज टू लीव बिफोर द एग्जामिनेशन इज ओवर, बिफोर द एग्जामिनेशन इज ओवर अलाउ हिम टू डू सो। आप पढ़े हैं वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है, तो नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है, तो यहां पर वर्ब सिंगुलर करेंगे, चूज के जगह पर क्या लिखेंगे, चूजेज। इसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। सी इज नॉट एन आर्टिस्ट नॉर सी इज ए म्यूजिशियन। आप याद रखेंगे इस चीज को कि नॉर के बाद यदि सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रहा हो तो उसको रखना चाहिए कैसे, नॉर, नॉर के बाद वर्ब, वर्ब आना चाहिए तब सब्जेक्ट आता है। नॉर के बाद यदि सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो वर्ब को पहले लाइए और सब्जेक्ट को बाद में, तो यहां सही क्या होगा, नॉर इज सी, नॉर इज सी ए म्यूजिशियन, तो याद रखेंगे इसको।
कि नॉर के बाद यदि सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है तो नॉर के बाद पहले वर्ब रखेंगे तब सब्जेक्ट रखा जाता है। अगला है द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट्स दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल डबल इन अबाउट 20 ईयर्स एंड ह्यूमन लाइफ विल बिकम मोर एंड मोर मेजरेबल, मोर एंड मोर मेजरेबल। यहाँ पर देखिए आप स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है या फिजिक्स रहे या मैथमेटिक्स रहे, जो भी सब्जेक्ट के पहले यदि पॉजेसिव केस या द का प्रयोग हो, आर्टिकल का द या पॉजेसिव केस का प्रयोग हो जाता है तो उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। तो यहाँ पर इंडिकेट्स, इंडिकेट्स के जगह पर हम इंडिकेट लिखेंगे। अब इसी बात को हम आगे बताते हैं। क्वेश्चन हमने दिया है, देखिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, जेनेटिक्स, सिविक्स। देखने में लग रहा है कि प्लूरल है लेकिन सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब इसके साथ सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। तो मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज मैथमेटिक्स, यहाँ पर आ गया पॉजेसिव केस। तो नियम क्या है कि यदि उस सब्जेक्ट के पहले द या पॉजेसिव एडजेक्टिव, हीज, योर, माय, हर, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो भर प्लुरल हो जाता है। तो यहाँ इज के जगह पर आर लिखना होगा। या रहेगा द मैथमेटिक्स ऑफ राम, तो द लग गया तो द मैथमेटिक्स ऑफ राम, तो इज की आर, आर हो जाएगा। इसका मतलब वैसे सब्जेक्ट जिस जो देखने में जिसके अंत में सी एस लगा हुआ रहता है तो उस सब्जेक्ट के साथ भर सिंगुलर होता है, क्योंकि देखने में प्लूरल लगता है लेकिन व्यवहार में वह सिंगुलर होता है। लेकिन उसी सब्जेक्ट के पहले द या पजेसिव एडजेक्टिव, योर, माय, हीज, हर, देयर, आवर का प्रयोग हो तो भर प्लूरल हो जाता है। इस रूल को ध्यान रखना है। तो अब इस बात को आप समझ गए होंगे, स्टैटिस्टिक्स जो है उसी ग्रुप में आता है। जस्ट आउटसाइड द सिनेमा, देखिए जस्ट आउटसाइड यह एडवर्बियल फ्रेज है और अंडर द के बाद प्लेस आ रहा है, ये भी एडवर्बियल फ्रेज है। आपको हम पढ़ाए हैं इसको एडवर्ब में, उसमें बताए इन्वर्जन में, इन्वर्जन में आप देखेंगे उसको। तो जस्ट आउटसाइड प्लस प्लेस के बाद वर्ब आता है तब सब्जेक्ट आता है। तो यहां पर देखिए जस्ट आउटसाइड द सिनेमा हॉल इज टू बार्स। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट आया है, वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट उसके बाद आता है। तो यहां सब्जेक्ट तो प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है आपका प्लूरल है, तो भर भी आपका प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि टू बार्स के अनुसार यहाँ पर हमको आर लिखना होगा। यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है एग्जाम में, बता रहा हूं। उसी तरह से देखिए अंडर द ट्री वाज सिटिंग टू बॉयज। अब देखिए भर पहले आ गया, अब भर के बाद जो है सो आपका सब्जेक्ट आ गया। तो सब्जेक्ट क्या है, टू बॉयज है, यह आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर टू बॉयज के अनुसार वाज नहीं होना चाहिए बल्कि वेयर का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। देयर वाज 5 सेंट्स इन दिस विलेज, देयर वाला जो सब्जेक्ट में भी याद रखेंगे कि इसके बाद वर्ब आता है तब सब्जेक्ट आता है। तो इसमें सब्जेक्ट कितना है, 5 सेंट्स, 5 साधु हैं, तो इस 5 सेंट्स के अनुसार वेयर होगा। तो देयर के बाद वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होगा यह किस बात पर निर्भर करता है, जो आने वाला नाउन होता है। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल है
तो भर भी प्लुरल। जैसे देयर वाज ए किंग, एक किंग है तो देयर वाज का प्रयोग किए, लेकिन फाइव किंग्स रहता तो देयर वेयर फाइव किंग्स। तो देयर के प्रयोग में यह ध्यान रखना है कि देयर के बाद वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल हो सकता है। यह उस बात पर निर्भर करता है कि उस वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है वह सिंगुलर है कि प्लुरल है। मोस्ट ऑफ द बॉय आर प्लेइंग इन द फील्ड। देखिए मोस्ट ऑफ के द के बाद काउंट नाउन प्लुरल होगा तो भर भी आपका प्लुरल होगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए, आर है तो यहां पर बॉयज होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ के बाद यदि अनकाउंट नाउन आ जाए तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, तो यहां पर वाज हो जाएगा। यह चीज किसके साथ होता है उसको याद रखेंगे, समझेंगे। किसके साथ होता है, सम के साथ होता है, मोस्ट के साथ होता है, ऑल के साथ होता है, या हाफ ऑफ के बाद हो सकता है, टू थर्ड ऑफ के बाद हो सकता है। जिसे हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, काउंट नाउन प्लुरल है तब आर, और हाफ ऑफ द मिल्क अनकाउंट नाउन आ गया तब वर्ब हो जाएगा इज सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंट नाउन जब भी रहेगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, लेकिन ऑल ऑफ द मिल्क वाज सोल्ड की वेयर सोल्ड, मिल्क है ऑल ऑफ द मिल्क, अनकाउंट नाउन है तो वाज सोल्ड। याद रखेंगे ऐसा कौन कौन है, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, हाफ ऑफ, टू थर्ड ऑफ, देख रहे हैं। मैथमेटिक्स के बारे में बताइए दिए कि कब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रूप में यदि सिर्फ है तो वर्ब सिंगुलर होगा, यदि उसी मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या सिविक्स या पॉलिटिक्स या जेनेटिक्स रहे और उसके पहले द या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो वर्ब हमेशा प्लुरल हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट ऑफ द न्यूज पर्टेनिंग टू द सडन डिमाइज ऑफ मिसेस गांधी वेयर कम्युनिकेटेड बाय सम रफियंस। अब देखिए मोस्ट ऑफ द न्यूज, अब न्यूज कैसा नाउन है जो देखने में प्लुरल लगता है लेकिन उसके साथ वर्ब सिंगुलर होता है, उसका सिंगुलर मतलब प्रयोग में उसका माना जाता है न्यूज को। तो सम ऑफ द न्यूज, द न्यूज आपका जो है सो सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहां पर आपका गलती क्या हुआ, वेयर जो यहां पर दिया गया है द न्यूज, इसका मेन वर्ब यही है वेयर, तो यहां पर वेयर ना हो करके द न्यूज के अनुसार वाज होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द न्यूज, जो अधिकांश न्यूज जो थे, पर्टेनिंग टू द सडन डिमाइज ऑफ मिसेज गांधी, मिसेज गांधी की जो सडन डिमाइज हो गई, अचानक मौत जो हुई, वो क्या किए गए उस न्यूज को, वेयर कम्युनिकेटेड, प्रसारित किए गए बाय सम रफियंस, कुछ रफियंस के द्वारा, नालायकों के द्वारा, तो यहां पर द न्यूज के अनुसार वाज होना चाहिए। ए टीम ऑफ डॉक्टर्स आर विजिटिंग देयर। अब इसमें याद रखेंगे एक कलेक्टिव नाउन है, ए टीम ऑफ के बाद कलेक्टिव नाउन के बाद नाउन तो प्लुरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है, तो ए टीम ऑफ डॉक्टर्स इज होना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा ग्रुप वाला शब्द समूह है कलेक्टिव नाउन, ए टीम ऑफ, ए गैंग ऑफ, ए बंच ऑफ, ए सीरीज ऑफ, देख रहे हैं, ए हर्ड ऑफ, ए सेट ऑफ, ए बैंड ऑफ, ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं।
जिसके साथ आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, तो आपको इस पार्ट 15 में जो मैंने कुछ क्वेश्चन को आपको बताया, ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए, इसलिए आप ध्यान दे करके इस चीज को सुधारने का प्रयास करेंगे। पहले सिंटेक्स पढ़ लेंगे तब आपको सुधारने में सहूलियत होगी। ठीक है, धन्यवाद।